नमः श्री हनुमते नमः श्री हनुमते नमः जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलम् जस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम् प्रसन्नतां जानगताभिषेकतस्तथानमन्दे वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलामुजक्षां मलकोमुलाङ्गं सीतासवारो पितवावभागम् पाणौ महासा यकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं तो श्रीराम जय जय राम। खूब प्रेम से बोलिए, पूरे वर्ण लोग सुन रहे हैं, नाम खूब जपिए, खूब नाम लीजिए, उठते बैठते सोते चलते नाम नाम का उच्चारण करिए। अरे यहां तक कि आलस में भी नाम जपिए, जैसे कुंभकर्ण ने जपा था, इसकी चर्चा हम कुछ आपको उसके पीछे कर चुका हूं। नाम खूब जपो, नाम ही एक आधार है। हाँ, ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, ताहि भजिय मन तजि कुटिलाई, तो राम कृपा गति केही नहीं पाई। और यही है रामायण की विश्राम चौपाई, और उसके बाद एक कौ चौपाई नहीं है पाईन, के ही गति पतित पावन राम भजो सुनु सच मनाम, घनका अजामिल व्याध गीत गजाति खल तारे घना। नाम जपो, नाम में डूब जाओ। इतना एक महात्मा जी कहते थे कि नाम इतना जप जाओ, नाम इतना जपो कि जीव में छाले पड़ जाए, इतना नाम जपो। और नाम कैसे जपो, तो मन काम बचाना और छाड़ी चतुराई, तो भज तो कृपा करी हहीं रघुराई। मन वचन कर्म से चतुराई छोड़ करके जब भजन करोगे तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। आई तो राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हम आपको कितनी बार बताया हूं, कृष्ण को पकड़ना हो तो राधे को पकड़ लो, राधे 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 राधे। राधा का दीवाना कृष्ण है, इसलिए राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। नाम का गुलाम बन जाओ, जैसे हनुमान जी नाम के गुलाम हैं, हनुमान बाहु पे सांप लिखा हुआ है,
राम गुलाम तू ही हनुमान। हनुमान जी राम के गुलाम, यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी राम के गुलाम है। कवितावली में स्पष्ट कह दिए हैं कि धूत कहे अवधूत कहे रजपूत कहे जूलहा कह को और काहू के बेटी से बेटा न ब्याहब और काहू की जात बिगारन सो तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाके रुचे सो कहे कछु को मांग के खैबे मसीत के सोईबे को लेबे को एक न देबे को दो। कवितावली में साफ स्पष्ट है धूत अच्छा कहो बुरा कहो धोबी कहो जुलाहा कहो कोई हमको परवाह नहीं है। किसी के बेटी से अपने बेटा का ब्याह नहीं रचाना है, किसी की जात नहीं बिगाड़ना है। तुलसी राम का गुलाम है जिसको जो जो रुचे सो कहे मांग के खा लूंगा किसी मंदिर मस्जिद में सो जाऊंगा लेकिन नाम को नहीं छोड़ूंगा। तो राम के गुलाम हनुमान जी, राम के गुलाम गोस्वामी तुलसीदास जी, राम के गुलाम भरत जी, राम के गुलाम जो है हमारे से भरत लाल जी और राम के गुलाम राम के गुलाम और मालूम है आए हैं शाम। राम का गुलाम जो है एक पक्षी राम का गुलाम है। क्या बात है बोले आगे पर आओ गिद्ध पति देखाओ। बोले सुमिरत राम राम सुमिरत यहां जैसे जैसे हनुमान जी सुमिरते हैं राम के गुलाम है कि सुमिरी पवन सुत पावन राम अपने बस करी राखे राम। डंका बजा दिया हनुमान जी ने श्री राम को अपने बस में कर लिया। बोले पावन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप और राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। सीताराम लखन लाल जी को अपने हृदय में बसा लिया। तो राम गुलाम हनुमान जी, राम गुलाम भरत जी। बोले भरत सरिसु को राम सनेही जग जपु राम राम जपु देही। आप यहां रुकिएगा सारा संसार श्री राम जपता है लेकिन श्री राम जपते हैं श्री भरत को। देख लो यानी सब लोग राम के गुलाम है लेकिन राम जी श्री भरत के गुलाम है। एक वृद्ध भी श्री भरत राम जी के मुखाग्नि से छूटता नहीं है, पकड़े रहते हैं, एक मिनट भी छूटते नहीं है। राम जी श्री भरत अरे भरत तीसरे पार काम कीन प्रवेश प्रयाग और कहत राम सिय राम सिय उमगी उमगी अनुराग। ये भरत जी गुलाम है राम के। और राम जी बोले जाना मरम नहा तो प्रयाग मगन हो तो तुम्हारे अनुरागा। भरत जी के प्रेम में ऐसे डूब गए भरत जी के प्रेम में आज भरत जी के गुलाम राम जी हैं। क्या बात है सारा संसार श्री राम को जपता है लेकिन श्री राम जिसको जपे क्या है यानी मतलब श्री राम भी भरत जी के गुलाम है। सारा संसार श्री राम का गुलाम है लेकिन श्री राम भरत जी के गुलाम है। जैसे ही संकल्प किए हैं भरतवास जी के आश्रम में प्रयागराज में ओम तस्त से ब्रह्म लोक द्वितीय प्रार्थे श्री शेष बारह कल्पे जम्बू द्वीप पे भरत कंडे जहां आया राम जी का हाथ खिल गया संकल्प बिगड़ गया। श्री भरत अब जब कई घंटों तक भरतवास जी ने कहा क्या गजब हो गया कई घंटों तक श्री भरत करते करते रो रहे थे डूब गए। राम जी श्री भरत करते करते कई घंटों तक डूब गए रो रहे थे श्री भरत के लिए। श्री भरत डूब गए कई घंटों तक डूब गए रोते रहे। भरत दास जी ने कहा क्या गजब का हो गया। बोले जाना मरम नहा तो प्रयाग। जब भरत जी आए हैं तो भरत दास जी बताए हैं कि आपके वियोग में सारा दिन तक जप करते रहे। बोले निज दिन तुम ही सरावत बीती जाना मरम नहा तो प्रयाग मगन हो तो तुम्हारे अनुरागा। निस दिन तुम ही सराहत बीती दिन रात आपकी सराहना करते रहे दिन रात आपका जप करते रहे। इसलिए
श्री राम के गुलाम जो हैं, राम गुलाम हनुमान जी, राम गुलाम भरत जी, और भरत जी के राम गुलाम श्री राम, और एक पक्षी जटायु वो भी राम का गुलाम है कि आगे पर आगे ध्रुपति देखा सुमिरत राम चरण दिन रेखा। हम कहीं भी व्याख्या करेंगे अपने अपने फाउंडेशन पर आ जाएंगे तो नाम को पकड़ लो, नाम को जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक काम आपका नहीं बनेगा महाराज। श्री नाम जपो, नाम जपो, शंकर जी नाम जपते हैं। अरे तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपहु अनंगय राती राम चरण बारिद जब देखो तब निज जन्म सुफल कर लेखो। जब तक राम चरण नहीं मिलेगा तब तक जीवन सफल नहीं होगा। यही तो राम चरण की जो धूली चारा सुनत राम चरण जिन रेखा, एक पक्षी जटायु भी राम जी के चरण को चाह रहा है, उनके भगवान श्री राम जी के चरणों में 48 चिन्ह हैं, 24 बाएं में 24 दाहिने में हैं, और जो दाहिने में है वो जानकी के बाएं में है, और राम जी के जो दाहिने में वो राम जानकी के बाएं में, जो दोनों को अलग अलग है। जो 24 चिन्ह जो है राम जी के दाहिने में है वो जानकी के बाएं में, और जो राम जी के 24 चिन्ह बाएं में है वो जानकी के दाहिने में है। इसलिए सुमद राम चरण जिन देखा, क्या बात है। और इतने नहीं, जानकी जी जेहि विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। वो भी नाम खूब जप रही है, आहा चरणों को बसाई है। जयविद कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, जैसे मृगा को मारने के लिए राम जी आगे बढ़े और पिछला तलवा दिखाई पड़ा, बस उसी पिछले तलवे को, राम जी के पिछले तलवे को जानकी ने अपने हृदय में बसा लिया। जयविद कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम सो छवि, वही छवि है सो छवि, राम जी के चरणों की जो छवि है वो सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। अब जानकी से पूछो कि जो राम जी के पास चरण चिन्ह है वो आपके भी पास तो है, तो अपने चरणों को क्यों नहीं देख करके ध्यान कर लेती है? नहीं, इनको राम जी का चरण चाहिए। हमारे चरण में भले राम जी का चरण चिन्ह है, जानकी जी कहती है हमारे चरणों के चरणों में राम जी का ही क्यों न चरण चिन्ह हो, लेकिन हमको राम जी ही चाहिए, राम जी का ही हम जप करेंगे, राम जी हमारे प्राण हैं, प्राणनाथ हैं। इसलिए रटती रहती हरि नाम। जानकी ने बता दिया नाम पकड़ लो बेटे, सब काम हो जाएगा। इसलिए मैं अपने प्रसंग पर आता हूं, जो सती जी के चरित्र पर हमारे गुरुदेव ने कहा था कि भैया आगे का प्रसंग बढ़ाओगे कि नहीं, बस वहीं वहीं पड़े रहोगे। हमने कि आगे भागे बढ़ूंगा, गुरुदेव के आशीर्वाद से ने मानस भास्कर पढ़ाना है, व्यास प्रत्येक महीने के प्रथम बुधवार को शाम को 4 से 5 तक आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं राम कथा सुनाने के लिए। आज बुधवार 1 मई है, अगला प्रोग्राम जून में 2 जून बुधवार को है, अगला प्रोग्राम मेरा 2 जून बुधवार को 4 से 5 है। हमारे श्री राधा कृष्ण मंदिर में भगवती ग्रुप का प्रोग्राम बहुत सुंदर से हुआ, सही प्रोग्राम सफल हुए, नवरात्र तथा श्री राम श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव अखंड पाठ सब सानून से संपन्न हुआ। किसी का सालगिरह हो, किसी का जन्मदिन हो, सबके लिए श्री हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, सभी लोग अपने जीवन में खुश रहे, प्रसन्न रहे, उनकी लंबी आयु हो, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रीति हो। सभी छोटे बच्चों को हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं, खूब पढ़े नाम करें, क्योंकि हनुमान सब नहीं बड़ भागी नहीं को राम चरण अनुरागी गिरिजा जा सुप्रीति सेवकाई बार बार प्रभु निज मुख गाई। तो अब सती जी का चरित्र यहां से प्रारंभ, जहां से हम इतनी व्याख्या करते करते चले आ रहे हैं। आज हमारे गुरु दीपाचर जी ने कहा कि भाई आगे बढ़ोगे कि नहीं, हमने कहा हम जरूर बढ़ेंगे आगे। बोले सती बिलोके व्योम विमाना ओ जात चले सुंदर विदिनाना तो सुंदरी
करही कल गाना तो सुनत श्रवण छूट मुनिराना। आप बताइए शंकर जी की समाधि कब खुली? 87,000 के बाद। यहां एक ये यहां सोचने का विषय है, जब तक भूत भावन शंकर जी तुम पुन राम नाम दिन राति सादर जपहु अनंग राति, 87,000 राम नाम लेकर के अंतिम उनकी समाधि लगती है और राम नाम करके समाधि छूटती है। तो 87,000 वर्ष तक जो समाधि लगी रही शंकर जी की, कभी सती ने ऊपर नहीं देखा, क्योंकि ये प्रभु की लीला अभी नहीं है, क्योंकि अति विचित्र रघुपति चरित और जान नहीं पारव सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरही कछुआन। यानी प्रभु का जो चरित्र है वो अति विचित्र चरित्र है, इसको कौन जान सकता है? परम सुजान जानेंगे, और परम सुजान तब जानेंगे जब जना देगा ये, बोले सो जान ही जान देव जनाई, जानत तुम ही हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उरु चंदन। जब ये परमात्मा किसी को जला देगा तब वो जान जाएगा, इसके पहले नहीं जानेगा। गीधराज को जला दिया राम जी ने, तो गीध मांसाहारी गीध जो जो बोले भक्षा भक्ष खाने वाला, बोले गीध अधम खाग आमिषु भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। मांसाहारी गीध भक्षा भक्ष खाने वाला, उसको भी अपना धाम दे दिया। ओ वाह क्या बात है, गीध अधम खाग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी, उसको जगा दिया। और जो जगा दिया गीधराज को, तो कैसे गीधराज जा रहे हैं? बोले गीध देह ताजी दारी हरी रूपा, वाह भूषण पट पीत अनुपा, तो श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुति करत नयन भरी बारी। राम जी ने गीधराज अधम गीधराज को भी अब जला दिया। तो गीधराज प्रभु के धाम जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं जलाने के बाद? साक्षात विष्णु भगवान का रूप धारण कर लिया है आज गीधराज, क्या बात है। गीधराज जो है साक्षात विष्णु भगवान का रूप धारण कर करके शंख चक्र गदा कमल का फूल लेकर के जा रहा है, और राम जी की स्तुति भी कर रहा है। क्या बात है, गीधराज स्तुति किया, प्रार्थना किया है, वो सब लंबा है, वहां नहीं जाएंगे, फिर इसका प्रसंग आएगा तो करूंगा। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मुझे देखते हो और हम तुमको देखते हैं, लेकिन एक हमारा विभ्राट रूप है, जब तक हम दिव्य दृष्टि नहीं देंगे तब तक आप नहीं जानोगे। यही है सो जा नहीं जन देव जनाई का भाव है, सो जा नहीं जन देव जनाई का भाव यही है कि जब वो जना देता है तो साक्षात भगवान के स्वरूप आप हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब दिव्य दृष्टि दिया है, गीता में सुनहले अक्षर में लिखा हुआ है, लाखों बार आप पाठ करते हैं, जब दिया है दिव्य दृष्टि तो देखा है विराट रूप को, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देख करके अर्जुन डर गए हैं। नहीं महाराज, उसी रूप में आ जाओ जिस रूप में आया है, जिस रूप में आप बैठ करके हमारा रथ हाँकते हो, बर दंत की पंगति कुंद कली, अधर आधर पल्लव खोलन की, चपला चम के घन बीज जगे, छवि मोती न मालय मोलन की, घुघुरादि लचेलत के मुख ऊपर, कुंडल लोलक पोलन की, नेव छावधि प्राण करे तुलसी, नेव छावधि प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ ललाइन बोलन की। तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, उसी रूप में आ जाओ घुघराले बाल में जैसे आप बैठ करके हमारा जो है रथ हांकते हैं, उसी रूप में आ जाओ। तो इसलिए अब क्यों विमान अच्छा हाँ बीते संबत, हाँ आपको जोड़ दें, आपको आप पता लग जाए कि हाँ 87,000 वर्ष शंकर जी से तपस्या किया। बोले बीते संबत और साहसो 87
ओतजी समाधि शंभुव विनाशी तो राम राम शिव सुमिरन लागे ओ जाने सती जगत बदियागे। बैठी हैं के कैलाश पर्वत पर 87,000 वर्ष तक बैठी रही। हाय हाय हाय, कोई विमान ऊपर से नहीं गया, कोई विमान ऊपर से नहीं गया, ना देवता लोग गए, कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु का चरित्र अभी स्टार्ट, अभी प्रारंभ नहीं हो रहा है। तो 87,000 वर्ष के बाद जब शंकर जी की समाधि टूटती है तो जाय शंभू पद ओ बंदन की ना, तो सन मुख शंकर आसन दीना। जा करके सती जान गई कि हमारे जगतपति जाग गए। एक बार ध्यान रखना, जगतपति तीन हैं, एक भूत भावन शंकर, जाने उस सती जगतपति जागे। एक जगतपति कौन है? पर शंकर जी। आ एक जगतपति है राम जी। उठे लखन सिय विगत सुनी अरुण सिखा धुन कान, अगुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। तो जगतपति राम जी, और जगतपति कौन तीसरा? बोले दशरथ जी। बोले बिनती सचिव कहां कर जोरी, जिया हूं जगतपति भारी सुकरोरी। दशरथ जी जगतपति, तीन जगतपति पूरे रामचरित मानस में, तीन जगतपति मिलेंगे आपको। दशरथ जी जगतपति, राम जी जगतपति, शंकर जी जगतपति। तो जाने उसती जगतपति जागे, तो जाई शंभु पद बंदन की नाम, सनमुख शंकर आसन दीना। सती जाकर के शंकर जी के चरणों प्रणाम करती हैं, तो सामने आसन देते हैं। सामने आसन इसलिए देते हैं कि सती जी, मैंने आपका परित्याग किया है, इसीलिए आप सामने बैठो। और जब पुनः आप इस शरीर को जब अपने पिताजी के जग में जाकर के जोगानों से जलाओगी, अभी पार्वती के रूप में जब आओगी, तब मैं आपको स्वीकार करूंगा। और जब बाद में आप शंकर जी की विवाह बताऊंगा, उसके बाद सब जोड़ रहा हूं। बोले पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, तो जानी प्रिया आदर अतु कीना, जानी प्रिया आदर अति कीना। बोले बाम भाग आसन हरि दीना। शंकर जी ने कहा अभी तो हम बाएं भाग में आसन नहीं देंगे, जब पार्वती के रूप में आओगे तब तब देंगे। इसलिए सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर सुविधि नाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवन छूटहि मुन ध्याना। अब इसी पर प्रश्न चल रहा है। तो कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि 87,000 वर्ष जब शंकर जी की समाधि लगी थी, तो सती जी ने ऊपर विमान की तरफ नहीं देखा। जब उनकी समाधि खुल गई, जब सामने गई हैं, प्रणाम करी हैं, तब सती बिलोके व्योम विमाना, जब देखा है विमान से सब लोग जा रहे हैं। अच्छा एक बात और है, सुनत समन छूटे ही मुन ध्याना। देखिए ये भी प्रभु का चरित्र है कि मुनि का ध्यान छूट जा रहा है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, नारद मुनि का ध्यान नहीं छूटा, शंकर जी का ध्यान नहीं छूटा। नारद जी भी समाधि लगाए थे। बोले अचल विमान मन लागी समाधि, और बोले कामदेव तोड़ने का बहुत प्रयास किया कि नारद जी मुनि जी का, नारद मुनि का ध्यान तोड़ दे, नहीं टूटा। अचल विमान मन लाग समाधि। तो सब लोग उनसे डर गए थे, सब घबराए, कामदेव के भेजा गया, कामदेव गया है, लेकिन कामदेव ने भी नारद जी के समाधि को नहीं तोड़ सका। एक बार ध्यान रखने, सीम की चाप सकई को उतासु, भड़ रखवार रमापति जासु। जिसको रमापति रखवारे हैं, उसके समाधि को कोई नहीं तोड़ सकता। सीम की चाप सकई को उतासु,
पर रखवार रमापति जासु। रमापति जिसकी रक्षा करे उसका ध्यान कोई नहीं तोड़ सकता। एक बार कामदेव भी हार गया, जब मुनि की समाधि नहीं तोड़ सका कामदेव तो जाकर चरणों में गिरा है। कहे सी जाई मुनि चरण तब कही सूटी आरत बैन। मुनि जी के ध्यान को नहीं तोड़ सका कामदेव तो जाकर नारद जी को प्रणाम किया। और दूसरा शंकर जी के भी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव गया है, लेकिन वहां भी अरे नहीं टूट नहीं छूट शंकर जी के समाधि को नहीं तोड़ सका। बिल्कुल बिल्कुल लगी है समाधि। तुम पुनि राम नाम दिन राती साधन जपहु अरंगय राती। ये तो प्रभु का चरित्र है। बोले जो होई हहीं सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावई साखा। अब यहां पर कई है राम की चाहई सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई। होई हहीं सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावई साखा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई जब जेहि रघुपति करहि जसु सोत तेहि चनु होय। तुलसी जसि भवितव्यता तैसै मिलै सहाय आपु ही आवहि ताहि पर ताहि तहां ले जाय। जब तक हरि की इच्छा नहीं होगी एक पत्ता नहीं लेगा। याद रखना पूरे वर्ल्ड में जो सुन रहे हैं लोग, एक पत्ता नहीं लेगा। आज शंकर की समाधि को कामदेव नहीं तोड़ सका, जैसे नारद जी के समाधि को कामदेव नहीं तोड़ सका। यस, तो इसलिए लेकिन चक्कर क्या था कि प्रभु की लीला उसमें रची थी। हुई है सोई जो राम रचना खा राम की न चाहे सोई हुई। उसमें बिल्कुल पक्का बना हुआ था, सभी देवताओं की इच्छा थी कि जब तक शंकर जी की समाधि जब तक नहीं शंकर जी की समाधि आप कामदेव जब तक नहीं तोड़ोगे तब तक विवाह नहीं होगा। क्योंकि जब तक विवाह नहीं होगा तब तक तारकासुर नहीं मारा जाएगा। यस, तो इसलिए जो है देवताओं ने कामदेव को जब भेजा है तो कामदेव ने एक ही बात बात बताया है। बोले चलत मार हृदय बिचारा शिव विरोध ध्रुव मरनी हमारा। कामदेव ने कहा ठीक है, मैं देवताओं के कार्य के लिए जा रहा हूं, शंकर जी का विवाह होगा और उन्हीं के तेज से जो है तारकासुर उन्हीं के तेज से जब वे खडानन होंगे कार्तिकेय, तो कार्तिकेय के द्वारा जो तारकासुर मारा जाएगा। ये सब लीला पहले से रची हुई है, इसीलिए भले हम जो है मर जाएंगे ठीक है, मैं परोपकार के लिए मर जाना ठीक है। बोले अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। बोले स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभः स्वयमेव नद्यः धरा धरो दर परसति नात्महेतो परोपकाराय सतां विभूतयः। स्वयं वृक्ष अपने आप फल नहीं खाते, नदियां अपने आप जल नहीं पीती, वर्षा अपने आप के लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए वर्षा होती है। उतना ही जितना ही वर्षा होगी उतना ही अत्यधिक अन्न जो है उपजेगा। जितना वृष्टि होगी उतना ही अन्न उपजेगा। तो परोपकार के लिए अपना हमारा सही छूट जाए तो इससे बढ़कर के कोई सौभाग्य नहीं है। कामदेव ने कहा छूट जाए हमारे परोपकार में हमारा शरीर, लेकिन शंकर जी का विवाह करा कर छोड़ेंगे। और कामदेव ने प्रभु की इच्छा से अपने आप को भस्म हुआ है और जो है शंकर जी का विवाह करा कर छोड़ा है। तब जन मेऊ खाटू बदन कुमारा तारक असुर समर जे मारा। शंकर जी के विवाह के बाद तो तारकासुर का वध हुआ। तो इसलिए और कामदेव के जलने के बाद तो उसकी जो पत्नी रति है रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई। शंकर जी के पास गई और कही महाराज आपने हमारा सुहाग लूट लिया, चूड़िया फोड़ दिया आपने, मेरे पति को क्यों मार दिया। तब शंकर जी प्रसन्न होकर के रति को वरदान देते हैं। जब जदु भंस कृष्ण अवतारा हुई हर महामय बारा।
कृष्ण तनय हुई हई पति तोरा वचन अन्य था हो नमोरा। बड़ा आशीर्वाद है रति, तुम चिंता नहीं करो क्योंकि रोतती बदती बहुभात करुणा करती शंकर बही गई, रोती हुई गई, बोलती हुई गई। बोलती मैंने क्या, आपने सुहाग हमारा लूट लिया, चूड़िया फोड़ दिया हमारा। हाँ ये बदती रोतती खूब रो रही है, तो रोदती बदती बहुभात करुणा। एक एक का अर्थ समझाते हुए चलता हूं, तो रोदती बदती बहुभांति करुणा करती शंकर बह गई। तो इसलिए शंकर जी ने आशीर्वाद भी दिया कि जब जदवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनका जो पुत्र होगा प्रद्युम्न वही तुम्हारा पति होगा। बोले कृष्ण तनय हुई हई पत, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हई हरनी महामारा, और कृष्ण तनय हुई हई पति तोरा वचन अन्य था होई न मोरा। तो इसलिए जब होता है प्रभु के रुचि के द्वारा ही होता है। तो इसलिए सती बिलो के व्योम विमाना, तो सती जी ने कहा कि विमान में लोग कहां जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा सती ये तुम्हारे पिताजी के जग में जा रहे हैं। आहा, क्या बात है। तो पूछे तब शिव कहे बखाने, अरे पिता जग्ञ सुनी कछु अरसानी। जब शंकर जी ने बताया कि आपके पिताजी दक्ष प्रजापति जग करा रहे हैं और हमको नहीं बुलाए, हमारे अपमान में करा रहे हैं और उसी में ये लोग जा रहे हैं, ठीक। शंकर जी ने कहा सती जी, अरे ब्रह्म सभा हम सम दुख माना, कहीं ते अजम करा ही अपमाना। एक बार ब्रह्मा का सभा लगा था, उसमें मैं भी था, तो सभी लोग आकर के हमारे शत्रु जी को लोग प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं नहीं प्रणाम किया। जब मैं नहीं प्रणाम किया तब दक्ष प्रजापति ने कहा है सब लोगों ने प्रणाम किया, हमारा दमान नहीं प्रणाम किया, आप चलो इसके विरोध में हम जग कराएंगे। वही हमारे विरोध में जग करा रहे हैं, देवता लोग जा रहे हैं विमान से। तो आप यहां ध्यान रखिए, पूछो तब शिव कहे बखानी पिता जग्ञ सुन कछु हरसानी। कछु का जो शब्द है पूरे राम चरितमानस में देखें बड़ा मजा आएगा, आज तो प्रवचन करने में खूब मजा आ रहा है। कछु जो कछु शब्द जहां जहां राम चरितमानस में देखें बड़ा मजा आएगा। अच्छा कछु शब्द कहीं कहां कहीं भी है, जो कछु शब्द समझ जहां देख लो, जहां एक बार देख लो, जहां समय देख लो, जहां जो है एक बार त्रिता जुर्माही समय सुहावन गाल विराजा संध्या समय जान दस सीसा, जहां समय देखिए अवसर देखिए एक बार देखिए कछु देखिए, वहां समझ जाइए कि प्रभु की कोई नई लीला यहां से प्रारंभ हो गई। जब राम जी आते हैं ना तभी वही है बालकांड में, बोले कछु का दिवस बीते यही भांति जातन जाने दिन अरुराती। जब राम जी का जन्म हो रहा है, जन्म के बाद नामकरण संस्कार का जब कार्यक्रम हो रहा है तो उसी जगह चौपाई है, बोले नामकरण करे अवसर जानी भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। इसलिए कछु कछु जो शब्द है। हाँ तो इसलिए आप जब केवट के पास आप देखिए, जब राम जी को उस पार कर दिया केवट, केवट उतरी दंडवत गीना प्रभु इस पूछी यही नहीं कछु दीना। देखिए केवट उतर करके प्रणाम करता है राम जी को, और केवट राम जी सोचते हैं उसको मैंने कुछ नहीं दिया, तो बोले पिय ही किसी जान निहारी मन मुदरी मन बोधित उतारी, तो कहे कृपालु ले उतराई केवट चरण कहे कुलाई। आज 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 मैं क्या नहीं पा गया, नाथ राजू मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा
बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि भली भली पूरी। अब कछुना देखिए आगे कछु ना, अब कछुनाथ चाहिए भोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। और एक एक और लीला कर दिया के वर्ड, अरे फिर ती पार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा। कितना कितना होशियार है, कितना चालाक है केवट, कितना बुद्धिमान केवट है कि प्रभु फिर दोबारा हमको दर्शन दे, इसकी भी भूमिका बना दिया कि लौटते समय जो हमको दे देंगे प्रसाद के रूप में हम ले लेंगे लेंगे। अभी नहीं बोले बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु के बट, देखिए बराबर कछु आ रहा है ना, नहीं कछु के बट ले। अब विदा कीन करुणायतना, भगति विमल भर दे। जब परमात्मा से कुछ नहीं मांगोगे तो भक्ति का विमल भर अपने आप मिल जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। जब परमात्मा से कुछ नहीं मांगोगे तो केवल के तरह से आपको भक्ति का विमल भर मिल जाएगा। और एक बात याद रखना, पूरे रामचरितमानस में अगर भक्ति का विमल मिला, भक्ति का विमल भर मिला है तो केवल केवट मिला है और किसी को नहीं। भक्ति का विमल भर जो है सिर्फ केवट को मिला है और किसी को नहीं मिला है। इसलिए बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। अब विदा कीन करुणायतना, भगति विमल भर दे। कछु तो कछु राम गुण कहे वो बखानी। इसलिए और अभी आप बताए ना, तेही जब सर बिरंति जब जाना, कले सकल सुर साजी विमाना। उसी में आगे जो बताया ना अभी आपको, नामकरण के अवसर पर। तो इसलिए नामकरण के अवसर पर भी बताया कि वहां पर भी कछु है, उसकी भी चर्चा हो गई, केवल की भी चर्चा हो गई। एक कछु और आप दिखा दे रहे हैं। जब सुमंत्र जी लौट करके गए हैं अयोध्या जी में, तो महाराज दशरथ जी क्या कहे हैं, बोले लखन कहे अरे कछु बचन कठोरा, अब बर जी राम पुनि मोहिन होरा। तो बार बार मुनि शपथ देवाई, ओ कही हूं ता तो लखन लरिगाई। जब समुद्र जी लौट जाते हैं दशरथ जी के पास, तो वहां तो ये स्थिति है दशरथ जी की, सुमंत जी को याद कर रहे हैं कब आएंगे। और जय ही पहुंचे हैं, कहो सुमंत कहो राम। क्या बात है, सुमंत बोलो मेरा राम बेटा कहाँ है, अभी रथ पर बैठाओ ले चलो वहीं पर मुझे, कहूं सुमंत कहूं राम। लेकिन सुमंत जी ने यही बात कहा, लखनलाल जी आपके लिए कुछ कठोर वचन कहे हैं, लेकिन राम जी ने अपना सौगंध दिलाया है, बज राम पुनि मोहिनी हो रहा। बार बार, एक बार नहीं, बार बार निज शपथ देवाई, और कहीं उतार लखन नरिकाई। बार बार राम जी अपना सौगंध सुमंत जी से देते हैं, नहीं सुमंत मेरा सौगंध है, मेरा सौगंध है, लखन की लरिकाई नहीं कहना। तो वही जो सुमंत जी टू कापी बोल दिए हैं दशरथ जी के सामने कि लखनलाल जी आपको कुछ कुछ कठोर वचन सुनाए हैं, लेकिन उसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रभु श्री राम जी आपके बेटे श्री राम जी ने बार बार अपना सौगंध दिलाया है। दशरथ जी ने कहा, जब मेरे बेटे राम का सौगंध है तो सुमंत्र मत कहो। मैं जान गया, मुझे बिल्कुल खुशी हो गई, प्रसन्नता हो गया, मेरे हृदय में प्रसन्नता झलक रही है, मैं प्रसन्न हो गया, मेरे हृदय में प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं। क्यों भाई, अभी कौन सी लहरें उठ रही हैं? बोले एक लहरें उठ रही हैं मैं प्रसन्नता की। बोले क्या? बोले हमारे बेटे राम को कोई तकलीफ नहीं होगा। अरे क्या बात है, इतनी ऊंची बात आज दशरथ जी बोलते हैं, जब सुनने लायक है जरा। हाँ, तभी तो कहा दशरथ जी ने, मेरे हृदय में प्रसन्नता की लहरें उठ रही हैं, हम क्यों आपसे कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं, सुनो सुमंत जी। बोले क्या? बोले जो अपने बड़े भाई श्री राम के चलते अपने पिताजी को कठोर वचन सुना सकता है,
वो मेरे बेटे राम को कभी मन में तकलीफ नहीं होगा, ये मुझे पक्का यार पक्का मुझे ख्याल है ना, मेरे बेटे राम को कभी तकलीफ नहीं होगा। अपने अपने बड़े भाई राम के पीछे अपने पिताजी को कठोर वचन सुना सकता है, तो हमको पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास हो गया कि मेरे बेटा राम को कभी मन में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा, लखनलाल जी के रहते। और नहीं हुआ है, सब लोग जानते हैं, बराबर संभालते रहे लखनलाल जी, बराबर से सेवा करते रहे, बराबर संभालते रहे, थोड़ा सा भी कष्ट राम जी को नहीं देते रहे। तभी तो लखनलाल जी के मूर्छित में राम जी स्वयं रो रहे हैं और ये कौतूहल कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। हाँ, कि निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण अधारा। अब इनको इनसे पूछा जाए राम जी से कि भाई शत्रुघ्न जी और लखनलाल जी जब दो पुत्र हैं तो क्यों कह रहे हैं निज जननी के एक कुमारा। एक कुमारा का मतलब क्या है? विशेष। आप किसी के लिए प्राण दे दें, प्राण की बाजी लगा दें, आप किसी के लिए प्राण की बाजी लगा करके बेहोश हो जाएं, मूर्छित हो जाएं, तो हम तो कहेंगे नहीं कि एक है। इसलिए यहां एक मतलब विशेष, विशेषता के कारण यहां एक कहा गया है। नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण दोनों भाई हैं। निज जननी के एक कुमारा तातु तासु तुम प्राण अधारा। इसलिए वही लखनलाल जी बराबर तुरंत बैठ, हम लोग तो संगत लगा देते हैं ना, तुरंत बैठ तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हम सभी व्यास लोग प्रसंग को बीच में नहीं छोड़ते हैं, लगा देते हैं प्रसंग को। तुरंत बैठ तब कीन्ह उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु भेट उभ्राता, हर खे सकल भालुक पिप्राता, कपि पुनि भैद्य तहां पहुंचावा, जही विधि तब ताहि लैयावा। इसलिए लखनलाल जी जो है राम जी को अपने बड़े भाई के प्रेम में पिताजी को कठोर वचन सुना सकते हैं। इसलिए लखन कहउ कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोइन हो राम, बार 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 पुनि शपथ दिवाई, कही हुन तात लखन लरिकाई। इसलिए कछु 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 का दिवस बीते यही भांति, जातन जाने दिन अरुराती, जहां 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 कछु 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 जहां है वहां समझ जाओ प्रभु की जो है नई लीला यहां से प्रारंभ हो गई। तो इसलिए पिता यज्ञ सुनी, वहीं पर कहीं भी व्याख्या करेंगे अपने अपने स्थल पर आ जाएंगे, बोले पिता यज्ञ सुनी कछु हर खानी। तो पिताजी के यज्ञ को सुनकर के सती जी प्रसन्न हो गई, बोले पति परित्याग हृदय दुख भारी, अब कहे उन्होंने जब अपराध विसारी। अब जब दुखी है पति के दुर्योग में, अब जो है सती जी हाथ पकड़ लेती हैं, नहीं प्रभु मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। अच्छा एक बात ध्यान रखिए, कोई भी बेटी ये सुन ले कि हमारे महके में यज्ञ हो रहा है तो वो अपने पति से आज्ञा मांग करके 100-10 जरूर जाएगी। और यहां तो ये सती जी है जगत जननी, आहा मैं सबसे कहता हूं वही सती है, वही सती जी हैं, वही पार्वती जी हैं, वही लक्ष्मी जी हैं, वही जानकी जी हैं, हाँ वही सब उनका, वही दुर्गा जी हैं, वही काली जी हैं, सब स्वरूप एक ही है। बोले जन कसुता जग जन जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावम, जासु कृपा निर्मल मति पावम। ओ बोले जगत की माँ है जानकी जी, इसलिए जगदम्बा, एक बात ध्यान रखना जगत की माँ, इसलिए कुंभकर्ण भी डाटा है रावण को जगदम्बा। दशकंधर के वचन सुनी, दशकंधर के वचन सुनी कुंभकर्ण बिलखान,
बोले जगदम्बा हरियाणी अब सत चाहत कल्याण। रे मूर्ख, तो भले हमारा बड़ा भाई है लेकिन रे मूर्ख, तुम जगदम्बा को हर हाथ तक लाया है, रे मूर्ख तू अभी भी अपना भला चाहता है, नहीं भला भक्त तुम्हारा भला होगा। निश्चर नाहा हर मुहियाई जगाए क्या, अयहुता तो त्यागी अभिमाना, अब भजऊ राम कल्याणा। इसीलिए जो है आज शंकर जी ने सती जी को, जब सती सुनी है पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है तो हट करी। एक बार ध्यान रखना, स्त्री हट स्त्री हट और बाल हट, एक दो हट बड़ा विचित्र है। हाँ तो अभी हमारा 4:46 हो गया है, अब इसके अंदर सती जी का व्याख्या जल्दी 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 पूरा करें। तो इसलिए सती जी जब हट पकड़ लेती हैं, पिता यज्ञ सुनी कछुहर खानी और जाने के लिए विनती करती हैं कि मुझे जाने दीजिए, तो शंकर जी ने कहा हम मना नहीं कर रहे हैं, जाइए, लेकिन कहां कहां जाने के लिए कहा है शास्त्र। बोले जदापि मित्र प्रभु आपि तु गुरु गेहा, ओ जाने उबुनि बोले उन सदेहा, बोले तदपि विरोध मान जह कोई, ओ तहां गरे कल्याण होई, तो भांति अनेको शंभु समुजावा, ओ भाभी बसन ज्ञान उड़ावा। जदपि मित्र, शंकर जी ने कहा कि सती मित्र कहां जाओ बिना बुलाए, यद्यपि मित्र प्रभु, प्रभु कहां जाओ बिना बुलाए, यद्यपि मित्र प्रभु पीतु पिताजी का बिना बुला चल जाओ, तो यद्यपि मित्र प्रभु पीतु गुरु गे हा जाइए बिनु बोले न संदेहा। जो आपके प्रभु हो, जो आपका मालिक हो, बिना बुलाए जाओ उसके पास पहुंच जाओ। आप यद्यपि मित्र प्रभु पीतु, तो प्रभु मतलब मालिक, मालिक क्या जाओ बिना बोला पहुंच जा दंड से। तो प्रभु के यहाँ प्रभु तो उसी को प्रभु कहते हैं, मालिक को, हे मालिक हे प्रभु हे है, तो इसलिए तो प्रभु प्रभु आप कहते ही, तो इसलिए तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गे हा जाइए बिनु बोले न संदेहा। शंकर जी ने कहा भाई आप अपने जो है मित्र के यहां जाइए, प्रभु के यहां जाइए, गुरु जी के यहां जाइए, लेकिन पिताजी के यहां जाइए, गुरु जी के यहां जाइए, लेकिन जहां विरोधाभास हो वहां न जाइए बिना बुलाए, जहां विरोधाभास हो वहां बिना बुलाए नहीं जाओ। बोले तदपि विरोध अवमान जह कोई, ओ तहां गरे कल्याण होई, जहां विरोधाभास हो वहां अगर गए तो कल्याण क्या नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन मैंने आपसे कह दिया ना, स्त्री हट और बाल हट, बड़ा विचित्र है। अब यही लक्ष्मी जी आए है, क्या बात है, पार्वती, पार्वती को लेकर के लक्ष्मी जी अपने राज अपने सोने के महल में ले गई। और जब लक्ष्मी जी अपने सोने के महल में ले गई पार्वती जी को, खूब घुमाया पार्वती जी को, खूब सोने का महल, खूब फर्स्ट का, बढ़िया खुश हो गई। लौट करके आती हैं और कहती हैं बभूत भावन शंकर जी से, आप ये कैलाश पर्वत पर रहते हैं और पानी है ऊपर, बरसात हो रहा है, सब हवा है, हमको भी जैसे लक्ष्मी का सोने का माल है उससे सुंदर सोने का माल हमको चाहिए। हट पकड़ ली स्त्री हट में, शंकर जी ने कहा विश्वकर्मा, बोले हाँ, हाँ। तो लक्ष्मी जी से भी सोने का माल इनका अच्छा बना दीजिए, मैं बना दीजिए।
मैं बन गया पावती का सोने का महल क्या है, भक्तनाथ बन गया। और बोली उसका जो है गृह प्रवेश कौन, तो रावण का जो पिता है विशस्त्रवा उसको बुलाया गया। तो विशस्त्रवा से भगवान भूत बावन शंकर जी पहले ही कह दिए थे कि जब पूजा करा लें गृह प्रवेश का पूजा जब आप करा लीजिएगा हम पूछेंगे क्या दक्षिणा, तो आप कह दीजिएगा कि यही अपना महल दे दीजिए हमारा काम बन जाएगा, जहां थे हम जहां हम रहे वहीं हम रह जाएंगे। ठीक जब विश्वस्वा ने पूजा कराया गृह प्रवेश का आए स्वस्थ वाचन किया हरि ओम माँ, हम लोग तो खुद ही राधा कृष्ण टेम्पल में हम लोग पृष्ठ हैं तो हम लोग खुद ही बोलते हैं स्वस्ते न इंद्र न पूका विश्व सत्यवाचन किया पूजा की तब तो वैदिक विधि से पूजन किया खूब बढ़िया से। शंकर जी खुश हो गए, पावती जी खुश हो गए। शंकर जी ने कहा दक्षिणा, बोले अपना ये माहौल दे दीजिए आए। तब पार्वती ने उसी समय कहा कि जिस समय हमारे पति देवता शंकर जी के रूप में अभी हैं, जब हनुमान जी के रूप में चलेंगे तो हम उनकी पूंछ बन के आऊंगी और ये जो आप हमारा सोने का महल लेके जा रहे हो फूंक दूंगी। और वही बात हुआ उलटी पलटी लंका सब जारी कूदी पर आप सेंदु मजारी। तो हनुमान जी की पूंछ पावती है। तो इसलिए कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि स्त्री हट और बाल हट, बाल हट में राम जी आगे जब राम जी का जन्म होगा बाल तीर्थ होगा बताऊंगा, लेकिन अभी केवल जोड़ रहा हूं। बाल हट में कह दिए, देखिए एक बात है बाल हट राम जी ने भी किया है, बाल हट भगवान श्री कृष्ण ने भी किया है। हाँ जी इतना बाल हट कवितावली में साफ लिखा हुआ है। भगवान श्री राम जी कहते हैं माता कौशल्या जी से, बोले कबहु शशि मांगत आरी करें, कबहु प्रतिबिंब निहारी डरें, और कबहु कर ताल बजाई के नाचत, और मातु सब है मन मोद भरे, और कबहु ऋषि आई कहे हठिके, अपुनी लेत सोई जे ही लागी अरे, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर भेबी हरे। जब कहते थे राम जी माता को कौशल्या से हट कर लिए, एक बात और याद रखना, राम अवतार में भी चंद्रमा को मांगने के लिए हट किया है, कबहु शशि मांगत आज करें, और कृष्णा अवतार में भी चंद्रमा के लिए हट किया कि मैया मोई चंद्र खिलो ना ले हो, अरे मैया मोई चंद्र खिलो ना ले हो, और नहीं लाओगे तो बोले जय हो अबे जय हो अबे लोट धरनी पे तेरी गोद हो, और इतनी इतनी बड़ी ऊंची बात बोले हो नंद बाबा को सुत तेरो सुत न कहीं हो मैया मोई चंद्र खिलो ना ले हो, माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। तो बाप कृष्ण के रूप में भी चंद्रमा के लिए हट किया और रामा अवतार में भी चंद्रमा के लिए हट किया, और जो ही माता कौशल्या सोने के परात में ला करके जल भर के रखती थी देखो चंद्रमा आ गया, उसमें परछाई पड़ गई डर गए आया। तो किसी ने कहा भाई राम जी डर जाते, बोले नहीं जिसके डर से डर डरा जाए उसको क्या डर लगेगा, बोले जा सूत्रासो और डर कहूं डर होई, अब भजन प्रभाव दिखाव तो सोई, जिसके डर से स्वयं डर डरा जाए अरे उसको क्या हो सकता है, कुछ नहीं कोई डर नहीं। हाँ तो इसलिए जा सूत्रासो डर कहूं डर होई,
तो लीला कर रहे हैं कि अपने अपने स्वरूप को देख करके डर जा रहे हैं। नहीं, जिसके डर से स्वयं डर डरा जाए उसको क्या डर हो सकता है। तो जासूत्रासो और डर कहु डर होई तो भजन प्रभाव देखावत सोई। तो यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा और जाई बिनु बोले उन सदेहा। तो तद्यपि विरोध मान जह कोई और तहां गए कल्याण होई। तो बात अनेक शंभु समुझावा माल भी बसन ज्ञान उदयावा। बहुत बाबू शंकर जी ने कह दिया जो है जहां विरोधाभास हो वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने हाथ पकड़ ली तब शंकर जी आगे सती जी को विदा कर दिया जाइए। सभी अपने गणों को साथ में भेज करके विदा की न त्रिपुरारी। भगवान भूत भावन शंकर पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु होई सो मैं जाऊं कृपायत न सादर देखन सो। ये सारी हमने आपको व्याख्या सुना दिया तो इसलिए कही देखा हर जतन बहु रहिन दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा की न त्रिपुरारी। भगवान भूतावन शंकर जी जब देखा कि अब सती जी नहीं मान रही है तो अपने गणों को साथ में भेज करके आहार दिए मुख्य गण उसमें भी है कई देखा हर जतन बहु रहिन दक्ष कुमार दिए मुख्य गण। मुख्य मुख्य गण को साथ में दिए हैं त्रिपुरारी। त्रिपुरारी जो तीनों लोक के मालिक हैं त्रिपुरारी तो दिए मुख्य गण संग तब विदा किम त्रिपुरारी। मुख्य गण को हाँ ठीक है मुख्य गण को साथ में दे करके भगवान भूत भावन शंकर सती जी को विदा करते हैं। अब हमारा जो है 457 हो गया है अब थोड़े से और बाकी है तो आइए तो हम अब भगवान भूत भावन शंकर जी गणों को साथ में ले दे करके सती जी को विदा करते हैं। और सती जी जब वहां जाती हैं अपने घर में अपने मैके में तो वहां क्या हालत होती है आप देख लीजिएगा। बोले पिता भवानो जब ओ गई भवानी तो दक्ष काहुन ताकाहुन सनमानी। बोले सादर भले ही मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बोले दक्षन कछु और पूछी कुसलाता और सती ही बिलो की जरे संगाता। सती जी वहां जा करके जब गई हैं अपने पिताजी के यज्ञ में तो भगिनी मिली बहन जी वहां हंसते मिली क्यों वही आ गई उनको बेंग मार रही हैं। उनकी जो बहन जी मिल रही हैं सती जी की जो बहने हैं उनको बेंग कर रहे हैं आई आ गई तो इसलिए भगिनी मिली बहुत मुस्काता और दक्षन कछु पूछी कुसलाता। दक्ष प्रजापति कोई समाचार नहीं पूछे सती जी को देख के सब लोग जल रहे हैं। सती बिलोक जले सब गाता सती जी को देख के लोग जल रहे हैं हाँ सती जी को देख करके जो लोग जल रहे हैं। अब यहां कहा क्या कहा जाए कि सादर भले ही मिली एक माता
माता जो है 9 महीना अपने पुत्र और पुत्री को पेट में जो रखती है कितना कष्ट आती है, वही मिलती है पुत्रो जाए तो खुद तो कुमाता न भवती, पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता नहीं होती है, दुर्गा सप्त सती देख सकते हैं। तो इसलिए तो माता तो मिलेगी, तो इसलिए मां मिली है। अब सती जी अपने पिताजी के जग में जा चुकी हैं, अब उसके आगे की चर्चा हम आपको 2 जून बुधवार को आपके सामने 4 से 5 उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए मुझे आप विश्राम दें। जय श्री राम। Thank you.